नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। डग्गामार वाहनों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आए हैं। डग्गामार वाहनों को लेकर अभियान चलाया गया है और अब इसको लेकर अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। डग्गामार बसें चलती मिली तो अधिकारी नपेंगे। पूरे प्रदेश में एक महीने तक चेकिंग अभियान चलेगा। सड़क परिवहन और सुरक्षा ये अहम मुद्दा रहने वाला है। सीएम ने परिवहन विभाग के अफसरों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि बिना परमिट वाले वाहन सड़क पर ना दिखें। स्कूल बसों का परमिट, फिटनेस, इंश्योरेंस, ड्राइवरों की जांच हो। सीएम के निर्देश के बाद परिवहन विभाग ने अब चेकिंग शुरू कर दी है। यानी कि पूरे महकमे में हड़कंप मच गया है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं कि डग्गामार वाहनों को किसी भी दिशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे वाहन जिन्होंने परमिट नहीं लिया है, ऐसे वाहन जिनका इंश्योरेंस नहीं है, वो जांच के दायरे में है। बिना परमिट वाले वाहन सड़क पर ना दिखे, ये साफ कर दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को। इसके अलावा स्कूल बसों का परमिट होना चाहिए, फिटनेस, इंश्योरेंस और ड्राइवर की जांच भी हो। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद परिवहन विभाग ने चेकिंग अभियान शुरू किया है और अब चेकिंग अभियान के जरिए हर एक बसों को जांचा जाएगा और उनके पेपर्स चेक किए जाएंगे और किसी भी हालात में डग्गामार वाहनों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से सड़क दुर्घटनाओं के मामले सामने आ रहे थे, ऐसे में इन घटनाओं को रोकने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़े लहजे में निर्देश दिए हैं। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अश्विनी, डग्गामार वाहनों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी हालत में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चेकिंग अभियान चलाया जाए। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डग्गामार वाहन जो होते हैं उनको लेकर सख्त निर्देश जारी किया है। क्योंकि कुछ दिन पहले देखा गया था, एक बड़ा हादसा आगरा लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे हुआ था, इसमें 18 लोगों की जान चली गई थी, साथ ही साथ कई लोग घायल हो गए। ये पहला हादसा नहीं था, इस तरह के कई हादसे हो चुके हैं। तो इसी तौर पर कहीं ना कहीं इसको लेकर के मुख्यमंत्री नाराजगी जाहिर की अपनी है। साथ ही साथ जो आला अधिकारी परिवहन विभाग जुड़े हुए हैं, उनके साथ निर्देश दिया है कि अगर अब इस तरीके के वाहन सड़कों पर दिखाए देंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। हालांकि मुख्यमंत्री इन चीजों को लेकर के सख्त हैं, लेकिन नीचे के जो अधिकारी हैं कहीं ना कहीं वो मत है, वो कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत से ही इस तरह के वाहन जो है वो सड़कों पर दौड़ रहे हैं और एक दो नहीं, सैकड़ों की संख्या में ये वाहन जो है दौड़ रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो इन वाहनों से जो डग्गामार वाहन है उनकी वजह से परिवहन विभाग को खासा नुकसान हो रहा है। परिवहन विभाग की जो बसें रोडवेज होते हैं उनको सवारियां नहीं मिलती, लेकिन इन बसों में फुल सवारियां रहती। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि तमाम जो जिलों के जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी मिली भगत से उनके जिलों से इस तरह की बसें जो है डग्गामार वाहन है वो निकलते हैं, जिसका खामियाजा तो सरकार पर उठा पड़ रहा, साथ साथ आम जनता को भी उठाना पड़ा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब अगले एक महीने तक इस तरह इसको लेकर के एक अभियान चलेगा और अभियान में जो भी डग्गामार वाहन होंगे उन पर कार्रवाइयां होंगी। अगर अधिकारी कार्रवाई नहीं करेंगे, सख्ती नहीं बरतेंगे तो अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। साथ ही साथ जो स्कूल की बसें हैं उनका भी परमिट चेक किया जाएगा, फिटनेस चेक किया जाएगा, इंश्योरेंस देखा जाएगा। साथ इसके अलावा ड्राइवरों की भी जांच की जाएगी कि ड्राइवर पर कोई आपराधिक मुकदमा तो नहीं, इसके अलावा तो वो नशे का आदि तो नहीं, इस तरह के कोई भी व्यक्ति का ड्राइवर होगा तत्काल प्रभाव से उसको जो स्कूल प्रशासन होगा या फिर जो गाड़ी के मालिक उनको हटाना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सीएम के निर्देश के बाद कहीं ना कहीं अब जो परिवहन विभाग के अधिकारी हैं वो एक्टिव हुए। कितने दिन एक्टिव रहते हैं ये देखना होगा, क्योंकि इससे पहले भी हादसे हुए, हादसों के कुछ चंद दिनों तक इस तरह की जांचें होती हैं, पड़तालें होती हैं, इसके बाद कहीं ना कहीं पूरा मामला ठंडे बस्ते में चलाता है और एक बार फिर बड़े हादसे का इंतजार करता है। बिल्कुल अश्विनी, क्योंकि जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये मामले जो डग्गामार बसें निर्तुंध होकर सड़कों पर निकल रही हैं, इनका साफ तौर पर देखा जाए तो अधिकारियों की शह है और तभी इतने हौसले बुलंद करते हुए डग्गामार वाहनों के संचालक इसे सड़कों पर निकाल रहे हैं। लेकिन अब ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश का अगर सही से पालन किया जाता है तो सड़क दुर्घटनाओं पर तो रोक लगेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो परिवहन विभाग को नुकसान हो रहा है, जो राजस्व का भी नुकसान हो रहा है, ऐसे में उस पर भी एक सही दिशा में पहल होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर मुख्यमंत्री का जो निर्देश है उसको सही से अधिकारी कर लेते हैं, जमीन पुत्र काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसका फायदा आम जनता को मिलेगा, उनकी जानें बचेंगी। अब आप समझिए कि जिस बस की दुर्घटना हुई थी अभी हाल ही में, 18 लोगों की मौत हुई थी,
वो बिहार से चलकर दिल्ली तक जाती है। 22 जिले हैं जो बिहार से लेकर दिल्ली के बीच में, जिसकी सीमा से वो गुजरती है, लेकिन कहीं पर उसको रोका टोका नहीं जाता। जबकि सोचिए उसकी परमिट भी खत्म हो चुकी थी, उसका इंश्योरेंस भी खत्म हो चुका था और उसका जो पैसा सरकार को देना होता वो भी खत्म हो चुका, 2021 के बाद नहीं भरा गया था। तो समझिए कितनी बड़ी लापरवाही जो अधिकारी कर रहे हैं। 22 जिलों से बसें गुजर रही हैं, लेकिन सबके बावजूद भी सुरक्षित तरीके से जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो ये बसें होती हैं ये टूरिज्म के लिए रजिस्टर होती हैं, टूरिज्म जो होते हैं टूरिस्ट होते हैं उनको लेकर जाने के लिए, घुमाने के लिए होती, लेकिन उनमें सवारियां भरी जा रही है, उनको ले जाया जा रहा। तो सोचिए किस तरीके से किस हद तक लापरवाही हो रही है, जब किसी की जो लोगों की मौत होती है उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन देखता है, क्योंकि उसमें जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नाराजगी होती है, नाराजगी से बचने के लिए इस तरह के अभियान चलाते हैं वो लोग, लेकिन कुछ दिन बाद सारे अभियान ठंडे बस्तन चले जाते हैं। इस बार मुख्यमंत्री की जो है अलग तरीके से उन्होंने दिशा निर्देश दिया, साफ तौर पर कहा कि अगर कहीं पर गड़बड़ी मिलेगी तो कार्रवाई होगी। अब देखना होगा अधिकारी किस तरीके से अभियान चलाकर कितनी बसों को सीज करते हैं, कितना स्टेशनों पर कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल, कार्रवाई की जिस तरह से बात हो रही है, ऐसे में देखिए अश्विनी, क्योंकि स्कूल बसों को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आए। एक तरफ डग्गामार वाहन है तो वहीं दूसरी ओर स्कूल बसों को भी चेक करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं, खासतौर पर इंश्योरेंस, परमिट और ड्राइवर की जांच करने के लिए भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने परिवहन विभाग को निर्देश दिए हैं। बिल्कुल, स्कूलों के जो वाहन होते हैं उनको लेकर दिशा निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए है। स्कूलों में जो वैन चलती हैं या फिर बसें चलती हैं, क्योंकि बच्चे इसमें चलते नौनिहाल होते हैं और कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी से कुछ खिलवाड़ ना हो, इसको लेकर परिवहन विभाग को निर्देश दिया है कि बाकायदा पूरी जांच की जाए और कहीं पर भी कोई खामी नजर आती है तो ऐसी बसों पर जो मालिक है उन पर कार्रवाई की जाए, साथ ही साथ ऐसे जो स्कूल प्रबंधन है उस पर कार्रवाई की जाए। क्योंकि बच्चों के मामले में मुख्यमंत्री किसी भी तरह से समझौता करने के तैयार नहीं है, उन्होंने साफ और स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो मानक होते हैं बच्चों के स्कूली बसों के उनमें कोई भी खिलवाड़ न किया जाए, चाहे वो पार्क सेफ्टी को लेकर के हो या फिर तमाम अन्य चीजें होती हैं, सभी चीजें सही ढंग से होने चाहिए। जो ड्राइवर होंगे, जो कंडक्टर होंगे, उन पर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज ना हो, साथ ही साथ वो नशे के आदि ना हो, इन तमाम चीजों का जो है ख्याल रखना होगा। अगर ऐसा ख्याल जो बस मालिक है वो नहीं रखेंगे या फिर उसके प्रबंधन की जांच नहीं करेगा तो कोई भी अगर दुर्घटना होती तो इसके जिम्मेदार सीधे तौर पर ये दोनों लोग होंगे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब ऐसे में अधिकारी भी एक्टिव हो चुके हैं और जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी एक्टिव हो चुके हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।